Hey, what's up guys? कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग आपके लिए एक नई डिमांड पर लेकर आए हैं एक मस्त सी वीडियो। चलो वीडियो के अंदर बने रहिए क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और किसी के लिए वीडियो बनाते नहीं है, तो फिर आपको तो अंत तक बने रहना पड़ेगा। ओके गाइस, चलो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लेना। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे हम आपको लिंक दे देंगे उसका, आप जाके वहाँ से तुरंत ज्वाइनिंग कीजिए, जिससे हम जो भी हमारे पास जॉब ओपनिंग आएगी हम इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी उसका नोटिफिकेशन हम दे देंगे। अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा तो आपको इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, इसलिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइनिंग करना ज़रूरी है। ओके गाइस, चलो हम डैडी को बोलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। चलो गाइस, हम चलो डैडी को वीडियो स्टार्ट करने बोलते हैं। डैडी स्टार्ट कीजिए वीडियो। थैंक यू श्रांज बेटा, एंड बहुत बहुत धन्यवाद शुरुआत के लिए। दोस्तों एक्चुअली जैसे अभी मेरे बेटे ने बताया कि हम आप लोगों के लिए बहुत सारी जॉब ओपनिंग लेकर आते रहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चे को मेरे आप प्यार भरा आशीर्वाद दीजिए, मोटिवेट कीजिए, जिससे उसे भी अच्छा लगे, वो भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए इसी प्रकार की जॉब ओपनिंग लेकर आता रहे। दोस्तों एक्चुअली अभी मैंने तुरंत ही एक अभी बैंगलोर के लिए जॉब ओपनिंग अभी मैंने बनाई है, अभी जस्ट तुरंत वो आधे घंटे के अंदर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी उसकी। काफ़ी अच्छी जॉब ओपनिंग है दोस्तों, वो बैंगलोर में है और बैंगलोर वाले सबसे पहले ट्राई करें क्योंकि उनके लोकल में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जॉब अगर आपको मिलती है, ध्यान रखना वहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, जॉब अगर आपको मिलती है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि सर हमें जॉब मिल गई करके, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मेरे श्रेयांश बेटे का वीडियो बनाने का मेन मकसद पूरा हो जाएगा, वो मोटिवेशन होगा और आप लोग इसी प्रकार की जॉब ओपनिंग लेकर आता रहेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ दोस्तों। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी एक इन्फॉर्मेशन की मटेरियल प्रोसेस के बारे में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मटेरियल प्रोसेस मीन्स मैंने आपको बताया था इनवर्ड आउटवर्ड रिटनेबल नॉन रिटनेबल, मटेरियल प्रोसेस चार प्रकार के होते हैं, जिसका मैंने मेरे ही इस वीडियो में मैंने बनाया था। मेरे बहुत सारे वीडियोज है उसमें आपको मटेरियल प्रोसेस का एक वीडियो मिलेगा, ध्यान रखना है उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी नहीं दी थी, आपको सिर्फ इतना बताया था मटेरियल प्रोसेस क्या होता है। मटेरियल प्रोसेस चार प्रकार के होते हैं, मटेरियल प्रोसेस में एक इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है, एक रिटनेबल होता है, एक नॉन रिटनेबल होता है दोस्तों। उसमें मैंने आपको डिटेल्स बताया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा दोस्तों वीडियो में, आप उसे जरूर देखना क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। और इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों, टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में, इसके बाद आपको मटेरियल प्रोसेस के बारे में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। मैं जो वीडियो बनाया हूँ मटेरियल प्रोसेस का, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखना दोस्तों। मैं आपको अभी पूरा ये डिटेल्स में जानकारी बता रहा हूँ। मटेरियल प्रोसेस ये होता है कि बाहर से जो माल अपनी कंपनी में आता है, अपने फैक्ट्रीज में आता है, उसे इनवर्ड कहते हैं, और जो अपनी कंपनी से मटेरियल बाहर जाता है उसे आउटवर्ड कहते हैं, ठीक है। और जो माल कंपनी से बाहर जाता है, रिटर्न नहीं आता है, उसे नॉन रिटनेबल कहते हैं, और जो माल कंपनी से बाहर जाके रिटर्न आता है उसे रिटनेबल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मटेरियल प्रोसेस होता है, ध्यान रखना है। नॉन रिटनेबल क्या होता है, जो ख़राब माल होता है, जो रिटर्न, जैसे कि कचरा जो कंपनी से बाहर चला गया, कचरा तो रिटर्न वापस नहीं आएगा, उसे नॉन रिटनेबल कहते हैं, ठीक है। और जो रिटर्न आता है उसे रिटनेबल कहते हैं, जैसे कि कोई लैपटॉप आपका बनाने के लिए बाहर गया है और वो रिटर्न आ रहा है, तो वो रिटनेबल में आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना है आपको इनवर्ड में सबसे पहले क्या चेक करना है, बाहर से कोई माल अगर आता है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, बिल देखना है, चलान देखना है, और क्या माल आए, क्या मटेरियल, कितनी क्वांटिटी आई है, कौन से कंपनी के लिए, अगर हमारी कंपनी के लिए आए तो कंपनी का एड्रेस देखना है, डेट देखना है दोस्तों। ये इनवर्ड में हो गया। आउटवर्ड में दोस्तों अपनी कंपनी में से कोई माल अगर बाहर जा रहा है तो आपको गेट पास देखना है, गेट पास बनाना है, उसमें माल देखना है, क्या माल जा रहा है, वही माल उसके अंदर से जा रहा है क्या दोस्तों। और एक स्पेसिमेन साइन होता है जो हमारे पास बोर्ड पे दिया जाता है, वो साइन अथॉरिटी चेक करना होता है, सिक्योरिटी इंचार्ज की साइन उसमें होती है दोस्तों, वो देखना है। उसके बाद स्टैम्प मार के उसे हम भेजते हैं, उसे वो रजिस्टर में एंट्री करते हैं, आते समय भी रजिस्टर में एंट्री होगा, जाते समय भी रजिस्टर में एंट्री होगा, ध्यान रखना है। इनवर्ड में आपको ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर भी नोट डाउन करना है दोस्तों। जाते समय भी सेम वैसे ही आपको जाते समय ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, क्या माल जा रहा है, गेट पास बनाना है, स्टैम्प मारना है, स्पेसिफिक साइन देखना और भेज देना है दोस्तों। ये आउटवर्ड में हो गया, ठीक है। और नॉन रिटनेबल, रिटनेबल मैंने आपको बता दिया है, जो माल रिटर्न आता है
अपनी कंपनी से जो माल बाहर जाता है और रिटर्न आता है वो रिटर्नेबल में आएगा, और जो माल अपनी कंपनी से बाहर जाता है और रिटर्न नहीं आता उसे नॉन रिटर्नेबल कहते हैं। नॉन रिटर्नेबल मीन्स खराब कच्चा माल, सॉरी अपना कचरा गार्बेज जो रिटर्न नहीं आता है। और जैसे कोई मशीनरी बाहर गई रिपेयर होकर बाहर रिटर्न आ रही है वो रिटर्नेबल में आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चाहे इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव और आपको नॉलेजफुल वीडियो अगर इसी प्रकार की चाहिए तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरे पास बहुत सारी जो नॉलेज है सिक्योरिटी के बारे में वो आपको मैं सबसे पहला मेरे इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, जिससे आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। इसे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड करो, जिससे आपको फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी इंटरव्यू के लिए कहीं जाए तो उसे घबराहट ना हो और वो इंटरव्यू में पास होकर सिलेक्शन हो जाए और जॉब ज्वाइनिंग कर ले, जिससे मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद पूरा हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बेटा वीडियो को भी हम स्टार्ट अपना समाप्त करने जा रहे हैं, और कुछ बोलना है? हाँ गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं करोगे ना तो आपके हाथ में जो फोन है ना वो रात में चोर उठा के लेके जाएगा, फिर मुझसे मत बोलना। अरे भाई जल्दी जल्दी कर दो लाइक और सब्सक्राइब, नहीं तो चोर चोरी कर लेगा मोबाइल। हाँ गाइस, फिर मुझसे मत बोलना। चलो वीडियो को समाप्त करते हैं, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।